तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। जेपी पटेल को मैं जब पार्टी बदले उसको मैंने वोट दिया। बीजेपी में गए उस समय भी वोट दिए उनको, लेकिन इस बार सुनते हैं कि वो चल गए कांग्रेस में। दल बदल से चलते सत्ता के लालच में अपना मन चेंज कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 को और मैं हूं मोहम्मद एहसान। मांडू के जेपी भाई पटेल जो इससे पहले बीजेपी का विधायक रहे थे और अभी जो है ये मांडू से उन्होंने पंजा का दामन थाम लिया है, और अब लोगों का देखना है कुर्मी समाज का रुझान किस ओर जाता है। क्या जेपी भाई पटेल के तरफ जाता है या फिर कमल फूल की तरफ? क्या उनका पहचान क्या है कुर्मी भाइयों के बीच में, और वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से उनको देखना चाहते हैं, और इस बार उनको किस नज़रिए से लोग कुर्मी समाज के लोग देखते हैं? आइए हम कुछ लोग हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। तो जेपी पटेल को मैं जब पार्टी बदले उसको मैंने वोट दिया। पहले वो जेएमएम में थे, जेएमएम में मैं वोट दिए, बीजेपी में आए बीजेपी में वोट दिए, लेकिन वो लगातार सत्ता के लालच में अपना मन चेंज कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। उसका मैं विरोध करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। तो क्या इस बार लगता है कि जो उन्होंने जो ये आप लोग के बीच में दोबारा घर वापसी का मौका मिला है उनको कि आप लोग के बीच में आए, कुर्मी समाज के बीच में आए, तो क्या इस बार आप लोगों का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा? ना, इस बार नहीं। चलिए, तो अब और लोगों से जुड़ते हैं। क्या जयप्रकाश भाई पटेल इससे पहले बीजेपी में थे, अभी कांग्रेस में आ गए हैं, तो क्या जेपी भाई पटेल को देख के वोट देना चाहते हैं या फिर पार्टी का सिंबल को देख के देना चाहते हैं वोट? कांग्रेस को दीजिएगा वोट या फिर बीजेपी को दीजिएगा? बीजेपी को वोट दीजिएगा। ये देख रहे हैं कि इस तरीके से कुछ लोग और हैं जो जिनका सीधे तौर पर कहना ये है कि हम बीजेपी को वोट देंगे। ये जो दल बदल के जो आ रहे हैं ये सामने, पहले जेएमएम में रहे, उसके बाद जो है फिर बीजेपी में गए, बीजेपी के बाद अब वो कांग्रेस में आए हैं, तो ये और हम और कुछ भाइयों से भी जुड़ते हैं। तो क्या इस बार जेपी भाई पटेल को क्या अगर वो कांग्रेस से उनको टिकट मिल जाता है तो क्या उनको आप वोट देते हैं? नहीं, कांग्रेस में चल जाने के बाद तो उनको नहीं मिलेगा वोट। पहले वो थे जेएमएम में, ठीक है, उस समय भी उसको हम वोट दे के विधायक बनाए थे, लेकिन अब बीजेपी में गए उस समय भी वोट दिए उनको, लेकिन इस बार सुनते हैं कि वो चल गए कांग्रेस में, तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। चलिए, और अब आप बताइए कि क्या इस बार अगर जेपी भाई पटेल को वोट आप देना चाहेंगे बीजेपी से? बीजेपी में थे तो वोट उनको दे के आपने जिताया, मांडू विधानसभा का उनको बनाया, और इस बार जो है वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, तो क्या कांग्रेस में आ चुके हैं तो इस बार अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या उनको आप वोट देंगे कांग्रेस में? जी नहीं, बीजेपी को मैं भी समर्थन। अच्छा, क्या आखिर उनसे क्या तकलीफ क्या है? क्या वो तो आपके निजी विधायक रह चुके हैं? जेपी विधायक तो रहे है, अभी भी है, लेकिन दल बदल के चलते हमारा भी थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बीजेपी को हूँ बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये देख रहे थे आप कि कुछ लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि जयप्रकाश भाई पटेल का क्या खुद का छवि है कुर्मी समाज के बीच में या पार्टी के सिंबल के लेके उनका छवि जो बरकरार थी, तो लोग अपना अपना जो राय था वो उन्होंने दिया कि हम बीजेपी को वोट देंगे और जेपी भाई पटेल को वोट नहीं देंगे, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा। मैं मोहम्मद एहसान मंजर मांडू से न्यूज 22 के लिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।